अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरी दुनिया से राम भक्त 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आने को आतुर हैं। प्रयागराज के एक राम भक्त ने आकाश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करते हुए भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर ध्वज फहराने का कीर्तिमान बनाया है। संगम नगरी की अनामिका शर्मा युवा स्काई डाइवर है, जिसने महज 23 साल की उम्र में बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइविंग करते हुए भगवान श्री राम का ध्वज लहराया है। अनामिका और उसके पिता अजय शर्मा भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने इस कीर्तिमान को बनाने के साथ साथ अपने प्रेरणा स्रोत हनुमान जी के आदर्श को अमल में लाते हुए भगवान राम का ध्वज 13,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया है। आपको बता दें, अनामिका यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन की सी कैटेगरी की स्काई डाइविंग लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है और वो विंग सूट पायलट के साथ TAC 750 विमान से यरोडी स्काई डाइविंग छलांग लगाने वाली भारत की पहली महिला भी बन गई हैं। अनामिका ने जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई से विंग सूट पायलट के साथ विमान से छलांग लगाई और 6,000 फीट की ऊंचाई पर से विंग सूट पायलट के ऊपर से छलांग लगाई। इसके बाद 4,000 फीट की ऊंचाई पर पैराशूट खोलकर सफल लैंडिंग भी की। आइए आपको सुनवाते हैं स्काई डाइवर अनामिका शर्मा का स्काई डाइविंग करते हुए 13,000 फीट की ऊंचाई से भगवान श्री राम का ध्वज लहराने पर क्या कुछ कहना है। तो मैं बचपन में पहला जंप अपना 10 साल की उम्र में की थी और मेरे घर में मैगजीन्स आया करते थे और मैं फोटो देखा करती थी कि वो सब लोग ग्रुप में कैसे हाथ पकड़ के कूदते हैं, तो मेरा यह इंटरेस्ट वहां से आया और मैं पापा को कूदते हुए देखती थी हमेशा, वीडियोस देखते थे, फोटोज देखते थे, तो मेरा बहुत मन था कि इसको करें। मुझे उस टाइम पूरा प्रोसेस नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी, बट इच्छा हमेशा से थी कि करना है। फिर उन्होंने जब मुझे पहला जंप कराया था उसके बाद से मैं इंतजार ही कर रही थी कि मैं अकेले कब कूदूंगी, तो वो 10 साल बाद हो पाया था। 10 साल बाद बैंकॉक में कौन सा रिकॉर्ड बनाया आपने? तो मैंने सबसे पहले तो लास्ट ईयर किया था, एक स्विंग जंप किया था विंग सूट में, जिसमें मैं एक विंग सूटर के साथ नीचे लटकी हुई थी। इस साल मैं जो जंप की हूँ उसमें मैं विंग सूटर के ऊपर बैठी हुई थी, तो ये दोनों जंप्स मेरे एक विंग सूटर के साथ थे और जो मैंने विंग सूटर के ऊपर बैठ के जंप किया उसको विंग सूट रोडियो जंप कहा जाता है। और वो जंप करने के बाद मैं इंडिया की यंगेस्ट और इकलौती बनी जो सक्सेसफुल उस जंप को कंप्लीट की थी 6,000 फीट तक होल्ड करके। 13,000 फीट में जिस थी आप ऊपर, उस समय दिल में क्या चल रहा था? भगवान का नाम और मजा आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत अच्छा था, क्योंकि नीचे हम एक प्लान करते हैं कि हमें ये चीजें करनी है स्काई डाइविंग में, और वैसा ही प्लान के हिसाब से वो चला जाता है तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि काफी प्लानिंग, मेहनत और ट्रिक्स और आपके एक्सपीरियंस लगते हैं एक जंप के वो सक्सेसफुल बनाने के लिए। छोटी सी उम्र में, 10 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया, जिस वक्त बच्चे ऊंचाई से डरते हैं आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगा? नहीं, मुझे लगता है कि हमें बचपन में बहुत कम डर होता है, हम जैसे बड़े होते हैं ना हमारा डर तब बढ़ते जाता है, हम नए नए एक्सपीरियंसेस से अपना डर बढ़ाते हैं और मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करके। बचपन में मुझे कोई डर नहीं लगा था, मुझे सिर्फ ठंडी लग रही थी ऊपर, मुझे बहुत मजा आया था। और ये कैसे मन में आया कि हम भगवान श्री राम का लिखा हुआ झंडा लेकर ऊपर से कूदेंगे? तो एक्चुअली मेरे मन में हमेशा उनका नाम रहता था, मैं प्लेन में भी भगवान का ही नाम लेती हूँ और मंत्र पढ़ती रहती थी, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इसका एक फ्लैग भी लगा के हम लोग जंप करते हैं। और ये इसमें मेरे पापा का भी आइडिया था ऑफ कोर्स, बट यही था कि भगवान का नाम अगर मन में रहता है और इतना भव्य अयोध्या में 22 जनवरी को उत्सव हो रहा है, तो इसी को और बड़ा करने के लिए और अपने सनातन धर्म को दिखाने के लिए मैं भी एक जंप कर सकती हूँ, जो योगदान मैं अपने तरफ से दे सकती हूँ एक एथलीट होके। आपकी प्राणवायु आपके बगल में रखा हुआ है, हाँ जी, ये कितने का है डाइविंग सूट और क्या इसकी क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है? तो ये एक पैराशूट है, ये करीबन 10 लाख का है जब आप नया खरीदते हैं, और ये मेरा स्काई डाइविंग हेलमेट है। तो इसमें 2 पैराशूट्स होते हैं, ठीक है, तो दर्शकों को ये पता चल जाए कि काफी सेफ होता है, अगर हमारा पहला वाला पैराशूट खराब भी निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, हमारा सेकंड पैराशूट काम कर जाता है। अगर पहले बार पैराशूट हमारा खराब होता है तो हम इससे कट अवे करते हैं, उससे हमारा डिटैच हो जाता है और इस वाले को आप खींचेंगे तो आपका दूसरा पैराशूट आ जाएगा। मान लीजिए ये सब भी आपका मतलब कि फेल हो गया है और आप बेहोश हो गए हैं हवा में, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिवाइस होती है साइप्रस, इसको AED कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस। ये अगर आप 3 बार ऐसे जलाएंगे, आप इस पर लाइट देख सकते हैं,
तो ये प्रेशर हाइट सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है, तो ये अभी इसको जीरो सेट कर दिया है। अगर आप इसको स्काई डाइविंग में लेके जाते हैं और 1000 फीट पे, ये फिर से डिटेक्ट करता है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, तो ये आपका रिजर्व पैराशूट को खुद से फायर कर देगा, ये अज्यूम करके कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये काफी सेफ बनाता है ये पूरे प्रोसेस को, स्काई डाइविंग को जी, ये डिवाइस जीवन रक्षक आपका यही है। हाँ बिल्कुल जरूर, ये और हनुमान जी जवानों को आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि आप सबको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, बहुत टफ होता है मैं मानती हूँ, हम छोटे शहर से, मैं खुद एक छोटे शहर से आती हूँ, बट कुछ अलग करने का जज्बा होना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए मुझे लगता है। जैसे आपके पापा ने आपकी हेल्प करी, हाँ, और पापा मम्मी को भी उनके क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहूंगी कि हमेशा कभी भी कोई लड़की सक्सेसफुल होती है तो कहते हैं ना कि उसके पीछे हमेशा उसके पापा का हाथ होता है, तो वो मेरे पापा ने मुझे प्रूफ करके दिखाया था। अनामिका 20 साल की उम्र में स्काई डाइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लाइसेंस प्राप्त स्काई डाइवर भी हैं। अनामिका बेंगलुरु BSMIT से BTech कर रही हैं। अनामिका शर्मा ने अपनी पहली स्काई डाइविंग जंप महज 10 साल की उम्र में ही की थी। वो ऐसा करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने स्काई डाइविंग का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। ऐसा करने वाली वो एशिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। वो अब तक 300 स्काई डाइव पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। दुर्लभ विंग सूट स्विंग स्काई डाइव और विंग सूट रेडियो स्काई डाइव दोनों करने वाली वो एकमात्र भारतीय स्काई डाइवर बन चुकी है। उनके पिता भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त जूनियर वारंट ऑफिसर, प्रशिक्षित कमांडो और प्रोफेशनल स्काई डाइवर अजय कुमार शर्मा भी अब तक करीब 650 बार स्काई डाइविंग कर चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अनामिका के पिता अजय कुमार शर्मा का अपनी बेटी द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई से भगवान श्री राम का ध्वज लहराने पर क्या कुछ कहना है। देखिए बहुत स्पष्ट है कि चूंकि हम लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं और विमान शास्त्र की रचना प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी ने की थी, और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि विमान और पुष्पक विमान की जो कॉन्सेप्ट जो उस समय था महर्षि भरद्वाज जी ने किया था। और राम जी अयोध्या जब वनवास के बाद आ रहे थे लंका से, लंका को जीतने के बाद, तो पुष्पक विमान के द्वारा आए थे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना इस पूरी अपनी सनातन संस्कृति को इस स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करते हुए इसको बाकायदा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिसमें पुष्पक विमान की तरह से छलांग लगाया जाए और उसमें श्री राम का मंदिर का भव्य ध्वज हो जो हवा में 13,000 की फीट की ऊंचाई पर लहराया जाए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।